बाजार की हाल की गिरावट में कई निवेशकों को घाटा हुआ है। 4 से 5 साल की आपकी कमाई घाटे में बदल गई है। खासतौर से अब तक अगर हम इक्विटी से हुए घाटे की बात करें तो 60% से ज्यादा कमाई जो निवेशकों की हवा हुई है उनका आंकड़ा 4% है। 30 से 45% का घाटा झेल रहे लोग लगभग 36% है। 12% लोगों ने 45 से 60% इक्विटी लॉस अब तक फेस किया है। वही 15% घाटा हुआ है 14% लोगों को और 15 से 30% घाटा लेने वाले 33% लोग हैं। अब ऐसे में क्योंकि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग डगमगा गई है, योरमनी आपकी सहायता के लिए मौजूद है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपियार। शुरुआत करते हैं आज की हाईलाइट्स के साथ। सीआईआई की 200 कंपनियों के सीईओस की रिपोर्ट में नौकरी पेशा लोगों के लिए सामने बड़ी चिंता, लॉकडाउन के बाद जॉब लॉस का खतरा। क्या बाजार की कमजोरी देखते हुए एकमुश्त निवेश करने का है सही समय? और आप चाहें तो अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हम लाइव हैं इस वक्त फेसबुक पे, कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए और हम करेंगे आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग। और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर के सीईओ हेमंत उस्तगी। हेमंत जी, स्वागत है आपका योर मनी पर। और बेहद अहम मुद्दे से हम आज के शो की शुरुआत करने वाले हैं। लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार तो यहां पर सभी को है, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद बड़ी संख्या में नौकरियां जाने का खतरा मंडरा रहा है। कंपनियों के राजस्व में भी 10% तक की कमी आने का अनुमान है। इंडस्ट्री चैम्बर सीआईआई की ओर से 200 कंपनियों के सीईओ पर किए गए सर्वे में जो है ये बात सामने आई है। अगर मैं कुछ और डिटेल्स हेमंत जी आपको बताना चाहूं, लगभग 47% सीईओस के मुताबिक 15% तक जॉब लॉस की संभावना है। 32% सीईओस कहते हैं कि 15 से 30% जॉब लॉस यहां पे संभव हो सकता है। 80% कंपनियों की इन्वेंट्री का इस्तेमाल जो है वो नहीं हुआ है। ये तमाम आंकड़े सामने आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं जो ये रिपोर्ट जो है सर्वे किया है। इसका अंदेशा हेमंत जी ऐसा नहीं कि हम सबको नहीं था। ग्लोबली हम देख रहे हैं स्लोडाउन, रिसेशन की बातें चल रही है और सभी तरह की इकोनॉमीज में दिक्कत है, तो इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा और एंड में नौकरी पेशा लोगों की जो है वो नौकरी जाने का खतरा। वैसे में आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में कई सारे रेड फ्लैग्स आपको सामने आते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहला काम जो आपको इस खबर के बाद, इसको सुनने के बाद कर लेना चाहिए अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए, अपनी सेविंग्स के लिए। देखिए कविता, इससे पहले कि हम पोर्टफोलियो की बात करें, दो चीज कहना चाहूंगा। ये बात जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, जो सिचुएशन हम देख रहे हैं वो एकदम अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा कभी हमें देखने को नहीं मिला। और ये बात सही है जैसा आपने कहा कि हमें सबको पता है कि जब ये जो लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से काफी मंदी आएगी और जाहिर सी बात है जब मंदी होगी तो नौकरियां भी जाएंगी। कितनी जाएंगी वो डिपेंड करेगा दो चीजों के ऊपर मुझे लगता है। हालांकि ये सर्वे में काफी कुछ क्लैरिटी आई है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि लॉकडाउन इसके आगे बढ़ता है कि नहीं। दूसरा, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट भी रियलाइज करती है कि काफी स्लो डाउन होने वाला है और स्पेशली कुछ सेक्टर जहां पर इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आएगा, तो शायद कैसी बात चल रही है कि गवर्नमेंट एक पैकेज लेके आने वाले हैं ताकि उन इंडस्ट्रीज को जहां पे ज्यादा इम्पैक्ट है वो फर्क पड़े। तो कितना बड़ा पैकेज आता है, किस तरह का पैकेज आता है, उसका अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा वो देखने की जरूरत है। काफी एक तो पहलू ये है इसका। दूसरा, अगर हम बात करें कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की जरूरत है। काफी एक तो पहलू ये है इसका। दूसरा, अगर हम बात करें कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे क्या करना है। देखिए, अगर जहां जहां पे खतरा है नौकरी जाने का, थोड़ा इंडिकेशन मिल जाता है आपको, पहले से भी हमने देखा इकोनॉमी वो ज्यादा अच्छी नहीं कर रही थी और इसके बाद तो ऑब्वियसली काफी प्रेशर है, तो थोड़ा सा आइडिया लगता है कि कौन कौन सी कंपनी सेक्टर जो है वो प्रेशर के अंदर है। तो अगर थोड़ा सा भी ऐसा इंक्लिनेशन आता है कि ये हो सकता है, पहली बात तो हमको ये देखना है कि हमने इसके लिए इमरजेंसी फंड बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ। अगर बनाया हुआ, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि कम से कम 6 महीने की आपकी जो खर्चे हैं, इंक्लूडिंग अगर आपकी कोई ईएमआई वगैरह है, उसके बराबर आपका अगर इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर वो आपने ऑलरेडी बना के रखा है तो शायद आपके लिए थोड़ी सी राहत है कि चलिए एक बार अगर ये कोरोना वायरस का कोई सोल्यूशन निकलता है, इंडस्ट्री थोड़ी रिवाइव करती है, तो अगर जॉब जाएगी तो, क्योंकि ये आपके इनएफिशियंसी के कारण नहीं जा रही है, इसलिए जा रही है कि इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है, तो कंपनीज आपको थोड़ा दूसरे तरीके से देखेंगी। तो एक तो ये हो गया। अगर आपने वो नहीं बनाया है
तो अब इशू यह है कि अगर मान लीजिए आपको सैलरी नहीं मिल रही है तो आप आज इमरजेंसी फंड कैसे बनाएंगे। तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको अपने पोर्टफोलियो को देखना पड़ेगा कि ऐसे गोल्स कौन से हैं जिसको मैं थोड़े समय के लिए कंप्रोमाइज कर सकता हूं, उसका पैसा जो है उसको मैं अगर इमरजेंसी फंड बनाऊं। तो इस तरीके से मुझे लगता है थोड़ा डिटेल में जाके पोर्टफोलियो को देखना पड़ेगा और ये प्रोविजन करना पड़ेगा कि मेरे पास 3 से 6 महीने का पैसा होना चाहिए ताकि अगर ये सिचुएशन आती है तो मैं उसको ठीक से टैकल कर सकूं। और राइट, तो चलिए यहाँ पर आपको अपने कैश फ्लो को देखना पड़ेगा सबसे पहले, और इमरजेंसी फंड, कंटिजेंसी फंड, इसको आपको अहमियत देनी है। कम से कम 6 से 8 महीने का जो आपका खर्चा है आप उसे जमा करने की कोशिश करें। जो आपका गोल है जो थोड़ा पोस्टपोन किया जा सकता है, उस निवेश से पैसे निकाल के आप उसको इमरजेंसी फंड के तौर पर फिलहाल ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन चलिए, दर्शक बहुत सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि हम लाइव हैं इस वक्त फेसबुक पे, तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लोग डाल भी रहे हैं। लेकिन इस बीच मेरे साथ कर्नाटका से मुकेश जैन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नमस्कार मुकेश जी, कैसे हैं आप? नमस्ते, बस बढ़िया है, आप कैसे बताइए? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। आपने 5 साल के लिए SIP करनी है और इसके लिए आपको 5 फंड्स चाहिए। आप 2,000 रुपए की SIP हर फंड में करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। ओके, और 5 साल के बाद कोई खास लक्ष्य है आपका? ये लक्ष्य इतना है कि मेरे पास अच्छी खासी रकम जमा हो ताकि मैं उस रकम का सदुपयोग और कर सकूं। अच्छी खासी रकम का कोई आंकड़ा होगा? जी, मेरा ये हर महीना 10,000 रुपए भरना है और हर साल उसको 20% बढ़ाना है 5 साल के लिए। ऑल राइट, तो मैंने अभी तक कैलकुलेशन कुछ नहीं किया है। ऑल राइट, चलिए हेमंत जी, यहाँ पर 5 साल के लिए इनको निवेश करना है, हालांकि अगर लंबा रखे तो बहुत बेहतर होगा, लेकिन ये शुरुआत भी कर रहे हैं। सबसे पहले इस तरह के माहौल में निवेश की शुरुआत करना कितना ठीक है? देखिए, अगर आपको बहुत क्लैरिटी है आपको कितने समय के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, जैसा इन्होंने कहा कि इनको 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, हर महीने SIP के द्वारा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जब तक आपको अपने टाइम होराइजन की क्लैरिटी है तो फिर मुझे नहीं लगता कि किस लेवल पे आप शुरुआत करते हैं वो मायने रखता है। और इनफैक्ट जिस तरीके का हमने फॉल देखा है तो अभी जो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो काफी नीचे के लेवल पे होगी और उसका फायदा उनको जो है 5 साल के बाद जब अपना टाइम होराइजन कंप्लीट होगा तो उनको मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, 5 साल का टाइम होराइजन है, सिस्टमेटिकली आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो जो होल्डिंग पीरियड है वो 5 साल का नहीं है, करीब 2.5 साल के करीब होगा, तो बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि थोड़ा अच्छा रिटर्न इनको मिले तो मुझे लगता है ये दो जो कैटेगरीज हैं, जैसे बैलेंस एडवांटेज जहां पे करीब 40% पैसा जो है इक्विटी में जाता है, बाकी आर्बिट्राज और डेट में, और जो इक्विटी हाइब्रिड फंड है उसका एक कॉम्बिनेशन बना के अगर अपना पोर्टफोलियो बनाए तो ठीक रहेगा। जहां तक फंड्स की बात है, उन्होंने कहा 5 फंड, मुझे नहीं लगता कि 10,000 के लिए इनको 5 फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा अगर ये चाहते हैं कि थोड़ा लेवल डाइवर्सिफिकेशन का ज्यादा हो तो 3 फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि इक्विटी हाइब्रिड कैटेगरी में ये 4,000 रुपए इन्वेस्ट करें, जहां पे SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड को ये देख सकते हैं। और बैलेंस एडवांटेज में 2 फंड है, जैसे बोले कोटक बैलेंस एडवांटेज है और ICICI प्रूफ बैलेंस एडवांटेज, इन दोनों फंड में 3,000 रुपए इन्वेस्ट करें, क्योंकि देखिए रिटर्न कमाना एक चीज है, दूसरा मार्केट लेवल भी एक चीज है, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास समय कितना, और जैसा इन्होंने कहा भी है कि इनके पास शायद 1-2 साल का समय और हो सकता है, तो ये अच्छी बात है, जितना समय दे पाएंगे उतना बेहतर उनको अपने पोर्टफोलियो से रिटर्न मिलेगा। चलिए मुकेश, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। इस बीच हमारे दर्शक रोशन ने हमें सवाल भेजा है ऑन ट्विटर, और इनका सवाल ये है, हेमंत जी 30 लाख इन्हें शायद निवेश करने हैं और इन्होंने कर लिए हैं म्यूचुअल फंड में निवेश, लगभग 30 लाख का इनका इन्वेस्टमेंट है और अभी फिलहाल पोर्टफोलियो में जोरदार गिरावट देख रहे हैं, 1 या 2 साल के लिए इन्हें और निवेश करना है, तो पूछ रहे हैं लार्ज कैप या मिड कैप कौन सा फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें। अभी इनकी पोर्टफोलियो मिक्स क्या है, कौन कौन से फंड शामिल है, क्या क्या कैटेगरीज है वो हम नहीं जानते, लेकिन अभी इनको एक लार्ज कैप और मिड कैप शामिल करना है। कविता, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसा उन्होंने कहा कि इनका 30 लाख का पोर्टफोलियो है, गिरावट काफी देखने को मिल रही है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इनका जो पोर्टफोलियो है वो या तो इक्विटी फंड्स का और या तो फिर इक्विटी हाइब्रिड फंड, इस तरह के फंड्स होंगे, क्योंकि उन्हीं में ही इतनी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो जाहिर सी बात है गिरावट है, इसे हमें फेस करना है एज एन इन्वेस्टर। अगर आप बहुत क्लियर हैं अपने टाइम होराइजन के लिए, आपके पास समय है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, तो फिर डेफिनेटली उसमें बने रहे, थोड़ा सा शायद मार्केट स्टेबल हो तो देख लें किस तरह के फंड्स हैं, अगर थोड़ा बदलाव करने की जरूरत हो तो कर दें, बट अदरवाइज आई थिंक इस समय पे इंपॉर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टर के लिए कि उनको पैनिक नहीं करना है और अपने इन्वेस्टमेंट को बनाए रखना है। अभी जो उन्होंने कहा एडिशनल पैसा 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, मार्केट लेवल कितना भी अट्रैक्टिव हो कविता, मैं नहीं चाहूंगा कि इस लेवल पे
ये इक्विटी में इन्वेस्ट करें, देखा लार्ज और मिड कैप। प्रॉब्लम क्या है कि ये बात सही है कि मार्केट लेवल बहुत अच्छे हैं जैसा मैंने पहले भी कहा, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि अनसर्टेनिटी कितने समय चलेगी। मान लीजिए 3-6 महीना अगर 9 महीने तक मार्केट रिकवर नहीं हुआ तो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने का उनको कोई फायदा नहीं होगा। तो ये डिपेंड करता है किस तरह के इन्वेस्टर हैं। अगर ये हायर टैक्स ब्रैकेट में तो मैं चाहूंगा फिर ये आर्बिट्राज फंड को देख लें, या फिर अगर नहीं तो फिर ये लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड को देखें। 1 साल का समय डेफिनेटली किसी भी लेवल पर इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सही नहीं है। चलिए, आपको 1 से 2 साल के लिए फंड्स बता दिए हैं, लेकिन जैसा कि हेमंत जी ने कहा, आपको इक्विटी से थोड़ा सा दूर रहना है अगर आपकी टाइम ड्यूरेशन इतनी कम है। निकेश का सवाल मैं ले रही हूं फेसबुक से, ये पूछ रहे हैं स्मॉल कैप फंड में निवेश किया हुआ है, घाटे में है, तो क्या अभी SIP रोक देनी चाहिए, क्या केवल लार्ज कैप्स को ही पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बात सही है कि स्मॉल कैप मिड कैप अगर हम देखें पिछले कुछ सालों से उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। ये कोरोना वायरस का इम्पैक्ट शुरू होने से पहले हमने 3-4 महीने देखा कि मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिली थी। लग रहा था जैसे इकोनॉमी जो बैक ट्रैक पे आ रही है तो ये सेगमेंट जो अच्छा करेंगे, लेकिन इसके बाद जाहिर सी बात है अगर मैं वैल्यूएशन के हिसाब से जाऊं तो स्मॉल कैप की वैल्यूएशन 2011 के लेवल पे चली गई है। मेरा ये मानना है कि अगर आपका फंड अच्छा है, अगर आपका एलोकेशन बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो में नहीं है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे हो, तो उस कैटेगरी में बने रहें। मुझे लगता है आगे जाके ये बात सही है कि जब मार्केट में रिकवरी होगी तो शायद शुरुआत लार्ज कैप से होगी, लेकिन आगे जाके मिड और स्मॉल में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इसमें बने रहें और ये लेवल अच्छे हैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आप मार्केट टाइमिंग नहीं कर रहे हो, एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो। ऑलराइट, और फिलहाल जो स्मॉल कैप फंड्स हैं उनमें बने रहें या बंद कर दें SIP? नहीं, जैसा मैंने कहा अगर एक्सपोजर बहुत ज्यादा नहीं है और ये फंड अच्छा है, मुझे उनका नाम नहीं पता है तो बता नहीं सकता हूं, लेकिन अगर ये फंड रीसेंट फंड है उसको कैटेगरी एवरेज के सामने कंपेयर करके देखें, क्योंकि कोई भी स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं मिलेगा आपको। आप कैटेगरी एवरेज के सामने देखें, फंड अगर अच्छा है तो कोई कारण नहीं है कि आपको इस समय पे निकलना। जैसे मैंने कहा कि थोड़ा समय लगेगा रिकवरी के लिए, लेकिन इस सेगमेंट से आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपने सवाल डाले हैं फेसबुक में जो मैं देख सकती हूँ। एक एक करके सभी सवालों के जवाब हमें देने हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप भी हमें अगर लाइव देख रहे हैं फेसबुक पे तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालिए। गए हैं, नमस्कार, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग मैम, आई एम गुड, हाउ आर यू? डूइंग गुड, थैंक यू सो मच। पूछिए, आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, मैं देख सकती हूँ आपके पास लगभग 6 फंड्स हैं, कब से निवेश कर रहे हैं? मैम मैं इसमें पिछले 2 सालों से इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैम। ओके, बहन की शादी के लिए 5 साल के बाद आपको चाहिए 30 लाख रुपए? जी मैम। और आपके पास अभी 3 लाख रुपए एक मुश्त पड़ा हुआ है जिसको आप निवेश करना चाहते हैं? जी मैम। ओके, और PPF में आप हर महीना डाल रहे हैं 40,000 रुपए? जी मैम। ओके, हेमंत जी, सबसे पहले तो इनके मौजूदा पोर्टफोलियो में जो फंड्स मौजूद हैं उस पर आप क्या राय देंगे? ICICI बैलेंस एडवांटेज है, SBI ब्लू चिप है, मिरर एसेट इंडिया इक्विटी फंड, निपॉन स्मॉल कैप, HDFC निफ्टी 50 और HDFC मिड कैप। देखिए, करीब 5 या 6 फंड है ओवरऑल कहूंगा, पोर्टफोलियो ठीक है, सिर्फ एक चेंज मैं चाहूंगा। अगर जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जो आपका जो पोर्टफोलियो इक्विटी का उसके अंदर लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल का बैलेंस सही होना चाहिए, तो इनके पास एक SBI का ब्लू चिप फंड है, उसकी जगह में अगर आप SBI फोकस फंड इक्विटी फंड देखेंगे तो मुझे लगता है वो बेहतर ऑप्शन होगी। जहां तक इनकी जो इन्वेस्टमेंट की बात है, जिन्होंने कहा 3 लाख रुपए जो इनको इन्वेस्ट करना है अभी, वो एग्जिस्टिंग फंड के अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि 5 साल का इनके पास समय है, तो जाहिर सी बात है कि वो सीधा इक्विटी में जा सकते हैं और लमसम पैसा लगाए, वो स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। लेकिन 2 फंड इनके पास हैं, जैसे मिराई का जो लार्ज कैप फंड है, जो पहले इक्विटी फंड के नाम से था, अभी लार्ज कैप फंड है, उसके अंदर डालते हैं, और एक इनके पास एक निफ्टी 50 फंड है HDFC का, उन दोनों के अंदर इस समय पे अपनी इन्वेस्टमेंट करें। जहां तक स्ट्रैटेजी का सवाल है, मैं चाहता हूं कि एक साथ इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि अभी भी मार्केट वोलेटाइल है। अभी भी अगर हमें समय लगा कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए, कर्व करने के लिए, तो और वॉलेटिलिटी आ सकती है, डिपेंड करता है ग्लोबल फैक्टर्स के ऊपर भी। तो मे बी अराउंड 30-40% पैसा जो है आप शुरुआत करें, और बाकी पैसा जो अगले 1 या 2 महीने में 2 या 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर इन्वेस्ट करें। आपके पास समय है, आप 2-1 महीने के लिए वेट कर सकते हैं, अच्छे लेवल पे इन्वेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको आगे जाके रिटर्न बेहतर मिलेगा। तो ये 2 एग्जिस्टिंग फंड में आप इन्वेस्टमेंट करें, एक पोर्टफोलियो में जो बदलाव है वो आप करें, तो मुझे लगता है आपका पोर्टफोलियो में जो बैलेंस है सही होना चाहिए, वो हो जाएगा।
और राइट, चलिए बहुत सवाल आ रहे हैं इसलिए हमें रैपिड फायर करना पड़ेगा थोड़ा। अंकित सिंह का सवाल मैं लूंगी फेसबुक से, 10 लाख लमसम इन्वेस्टमेंट करना है इन्हें, म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करना चाहते हैं, क्या रणनीति हो? अंकित के सवाल का आप जवाब दें, उससे पहले मुझे आपसे ये पूछना है क्योंकि हम इतनी फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं जहां पर जॉब लॉस पे कट्स की बात हो रही है, लोग लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एसआईपी के जरिए शुरुआत करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट की, अच्छी बात है, लेकिन क्या उससे पहले अपने इमरजेंसी फंड को देख लेना चाहिए? हो सकता है कि जो पैसा उनके पास अभी पड़ा है वो मुसीबत के वक्त ज्यादा काम आए, क्योंकि अगर वो इन्वेस्ट कर देंगे तो शायद वो पैसा कहीं ना कहीं पार्क हो जाएगा और वो पैसा फंस सकता है। तो क्या ये जो रकम उनके पास फिलहाल एकमुश्त है उसको इमरजेंसी के तौर पे नहीं ट्रीट करना चाहिए? देखिए, दो तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कविता यहाँ पे। एक तो क्या है कि जिस तरह की गिरावट हमने बाजार में देखी है तो हो सकता है कुछ निवेशकों को ऐसा लगे कि ये बहुत अच्छा लेवल है, चलिए इसमें पैसा लगा देते हैं। जैसे जो जेन्युइनली अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनके पास पैसा है, तो इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि मार्केट लेवल काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहूंगा कि एक मुश्त पैसा लगाए, उसको थोड़ा दो या तीन इंस्टॉलमेंट में लगाए अगले एक या दो महीने के अंदर। इंपॉर्टेंट चीज जैसा आपने कहा, यस बिल्कुल, अगर किसी के पास लमसम पैसा है अभी तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पास इमरजेंसी फंड है कि नहीं। अगर वो नहीं है तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है उसको मिलनी चाहिए। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये उनके लिए रिस्की है जिनका जॉब लॉस हो सकता है या अनसर्टेनिटी हो सकती है, ये किसी के लिए हो सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कितना समय लगेगा इस समय पे इस सिचुएशन को सुधरने के लिए। तो बिल्कुल सही कहा आपने, इससे पहले कि आप इन्वेस्ट करें पहले ये देखें कि आपके पास जो पैसा इमरजेंसी फंड के लिए अगर है कि नहीं। अगर है तो फिर डेफिनेटली एक क्लैरिटी रखें कि आपके पास समय कितना है और किस पर्पज के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर आपका टाइम हॉराइजन आपको अलाउ करता है कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें तो बिल्कुल करें। जैसा मैंने पहले भी कहा, लमसम पूरा पैसा इन्वेस्ट ना करें, हाँ कुछ पैसा 30-40% आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बाकी पैसा जो है दो या तीन इंस्टॉलमेंट में अगले एक या दो महीने पे करें। मुझे लगता है मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, आपको शायद इससे बेहतर लेवल नहीं है। एक बार मार्केट रिकवरी अगर शुरू हो गई, थोड़ा सा अगर मिस भी किया तो कोई बात नहीं है, एटलीस्ट आपको मार्केट की डायरेक्शन का पता है। ऑल राइट, तो चलिए यहाँ पर अंकित, आपको स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट करना है और अपना टाइम होराइजन देखिए, उसके मुताबिक आपको इन्वेस्टमेंट रणनीति बनानी चाहिए, लेकिन हाँ किश्तों में निवेश करें, आपको सलाह यही है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार हमारे दर्शक हैं जो ईमेल के जरिए और फेसबुक के जरिए सवाल पूछ रहे हैं, एक एक करके उनके सवालों को शो में शामिल करेंगे। चल रहा है सवालों का जहां पे हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। अगले दर्शक हैं कपिल और इनका सवाल भी लमसम इन्वेस्टमेंट का है। हिमांशु, इनकी उम्र 42 साल की है, 3 लाख का निवेश करना चाहते हैं, लेकिन नजरिया इनका 3 से 4 साल का ही है। पिछले 10 साल से निवेश करते आए हैं और 25,000 का ये निवेश कर रहे हैं और कुछ फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन पोर्टफोलियो की डिटेल्स हमारे पास नहीं है, तो इसीलिए हम जो 3 लाख का इनको एकमुश्त निवेश करना है उसी पर सलाह दे पाएंगे। जी बिल्कुल सही, क्योंकि पोर्टफोलियो डिटेल नहीं है तो बता नहीं सकते कि फंड ठीक है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। 3 या 4 साल का समय है इनके पास, बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि पूरा का पूरा पैसा जो है इक्विटी में लगाए, क्योंकि हमें यह भी नहीं पता कि इनका रिस्क प्रोफाइल कैसा है। तो बेसिकली बैलेंस एडवांटेज फंड जो मैंने पहले बात की थी, जैसे कोटक बैलेंस एडवांटेज, आईसीआईसी बैलेंस एडवांटेज, उस तरह के फंड अगर मैं चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ये नहीं चाहते कि उतना भी 40% या 45% भी एक्सपोजर इक्विटी में हो, उससे कम हो, तो फिर मैं ये चाहें तो अगर इक्विटी सेविंग कैटेगरी जो है जिसमें करीब 20 या 25% पैसा इक्विटी में और बाकी आदमी जो डेट में रहता है वो देख सकते हैं, तो या फिर एक कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। तो इक्विटी सेविंग में कोटक इक्विटी सेविंग देख सकते हैं और बैलेंस एडवांटेज में दो फंड मैंने कहे थे, उनमें से जैसे आईसीआईसी प्रूफ बैलेंस एडवांटेज वो देखें, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन इनके लिए सही रहेगा। अच्छा हेमंत जी, फेसबुक पे बहुत सारे दर्शक लमसम इन्वेस्टमेंट पर सवाल पूछ रहे हैं कि कौन से फंड शामिल करने चाहिए। देखिए, लमसम निवेश कर रहे हैं, अगर आपका 5 साल या उससे ज्यादा का नजरिया है, तो हेमंत जी मैं चाहती हूं कि आप दो फंड्स बता दें निवेशकों को जो वो स्टैगर्ड वे में किश्तों में निवेश करें। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं इक्विटी की, तो मैं चाहूंगा कि मल्टी कैप कैटेगरी की बात करूं, वो अच्छा रहेगा। एक्सेस फोकस 25 देख सकते हैं, एसबीआई का फोकस फंड है वो देख सकते हैं, या फिर एक्सेस का जो कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप कोटक का या फिर कोटक फोकस फंड, ये दो या तीन फंड है, इनके अंदर कीजिए। काफी अच्छे फंड है, इनकी पोर्टफोलियो क्वालिटी काफी अच्छी है, सही रहेगा। लेकिन जैसा मैंने भी कहा था, पहले भी कहा कि मार्केट लेवल को देख के ये समझ के कि लमसम करेंगे तो अच्छा रहेगा, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि किस लेवल पे हम इन्वेस्ट करें, तो थोड़ा दो या तीन इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे लगता है बेहतर है। आखिरी सवाल, समय कम है, लेकिन फरीदाबाद से पुनीत पूछ रहे हैं कि इमरजेंसी फंड कौन सा चुनना चाहिए, पिछले 12 महीनों से ये पैसे बचा रहे हैं इमरजेंसी फंड बनाने के लिए।
देखिए इमरजेंसी फंड का मतलब है कि लिक्विडिटी होनी चाहिए उसके अंदर, और अगर आप चाहते हैं कि आपको सेविंग बैंक से बेटर रिटर्न मिले तो लिक्विड फंड जो है वो लिक्विड फंड देखिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म दो कैटेगरी है उनके अंदर आप देखिए तो मुझे लगता है बिल्कुल सही रहेगा। उसमें जैसे एबीएसएल का लिक्विड फंड देख सकते हैं, कोटक सेविंग्स फंड जो है वो देख सकते हैं, ये दो फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए। ये जो लिक्विड फंड पॉइंट ऑफ व्यू इमरजेंसी फंड पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी अच्छे फंड। बिल्कुल नीड ऑफ द आवर, आपको अपना कंटिंजेंसी या इमरजेंसी फंड सबसे पहले बनाना है अगर आपके पास हाथ में अभी लिक्विडिटी है, पैसे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी आज शो पे आके तमाम सवालों को जवाब देने का। योर मनी में मुझे भी इजाजत दे, लेकिन अपने सवाल लगातार हम तक पहुंचाते रहें, कॉन्टैक्ट नंबर सभी जगह जरूर डालिएगा। नमस्कार।